वाराणसी अपनी खूबसूरत बनारसी साड़ी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नोटबंदी का कितना असर बनारसी साड़ी बनाने वाले बुनकरों और मजदूरों पर पड़ा है, बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अभिसार शर्मा। तो हम हैं इस वक्त बनारस के बाहरी क्षेत्र लोहटा के इस गली में। ये जो आवाजें आप सुन रहे हैं ना, दरअसल ये वो जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ियों को बनाए जाने की पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। वाराणसी के लोहटा में बनारसी साड़ी का बड़े स्तर पर काम होता है। नोटबंदी के बाद से यहाँ काम काज ठप है। घरों में बताइए क्या दिक्कत आपको पेश आ रही है, घरों में किस तरह का माहौल है इस मंदी की वजह से? घर में जब पैसे नहीं रहेंगे तो दिक्कत होती है। पैसे की हर जगह पे काम है, पैसा हर जगह लगता है, खाने पीने में भी तो पैसा लगेगा, और इसकी वजह से हालात थोड़ा नरम चल रहे हैं। और हो सकता है कि आगे जो उम्मीद दिखाए हैं उस पर कायम रहें तो बेहतर है, वरना हालात तो बिगड़ा ही हुआ है। बनारसी साड़ी के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है, फिर भी बुनकरों को लगता है कि प्रधानमंत्री हालात को सुधारने में कामयाब होंगे। 31 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है तो हालात सुधरेंगे, इस विश्वास की वजह क्या है आपके उनके वादे पे? मतलब कि देश में खरा उतरने वाला है पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने इतना बड़ा अभियान चलाया है। इनको पहले से नोट वोट बना करके ही ये खत्म करना चाहिए, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा बुनकर गरीब है। लोहटा की ये तंग और पुरानी गलियां मानो वक्त कभी आगे चला ही नहीं। पुरानी गलियों में हिंदू और मुसलमान एक अरसे से साथ जी रहे हैं। मानते हैं कि धंधे के सामने ये अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। अफसोस ये कि व्यवस्था भी उनका साथ नहीं दे रही। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, आपको लग रहा है 30 दिसंबर के बाद सब सही हो जाएगा? हम लोग को तो बढ़िया चल रहा है, फिर भी हम लोग को बढ़िया चल रहा है। यही पैसा बन हो जाए, हम तो सब अपना इलाहाबाद बड़ौदा बैंक में दोनों में जमा कर दिए हैं। मेरारू के नाम से भी 1,00,000 रुपया था, वो अपने नाम से तो कुछ कम ही है। वही शादी के लिए रखे थे अपने लड़की और लड़का के। तो आपके धंधे में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है? हमारा कुछ नहीं है, खाली पैसा नहीं बनवाता तो हम अपने लड़की लड़के की शादी कर लेते। तो लोहटा में अगर आप घूमें तो आपको इसी तरह से बनारसी साड़ियां बनाने की जो मशीनें हैं उनकी खटखट की आवाज़ें आती रहती हैं, मगर वो आवाज़ें धीमी हुई हैं, लेकिन लोगों के सुर, लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है, उनकी बेबसी बढ़ रही है। जैसे मोदी सरकार ने या गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि हफ्ते का 24,000 रुपये आपको विड्रॉल मिलेगा, लेकिन मुझे ये 24,000 रुपये मिल नहीं रहे। वो कहते हैं कि आप पर डे आइए 5,000 लेके जाइए। मैं पर डे पूरा टाइम स्पेंड करूंगा तो कैसे हमारा घर गृहस्थी चलेगा? मेरे यहाँ 13 वर्कर हैं और 12 लोगों की फैमिली है। मैं 24,000 में मैं कैसे मेंटेन कर रहा हूँ ये मैं ही जान रहा हूँ। तो ये बताइए, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कैशलेस करिए, डिजिटल करिए, क्यों नहीं करते आप? लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई ऐप काम नहीं कर रहा है मेरे मोबाइल पर, जबकि ये एंड्रॉयड सेट है। तो ये देखिए, ये हकीकत है। आप आइए इन मुफसिल इलाकों में, यहाँ पर आपको कैशलेस भारत की, डिजिटल भारत की हकीकत सामने उभर कर आती है।